Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree, where enlightenment is guaranteed. In the previous video, we saw कि जो majority B school की exams है इंडिया में वो कौन से है, कौन से students prefer करते हैं, और हर एक exam के through जो तुम्हारा top B school कौन सा है corresponding, वो हमने देखा. अभी ये video में क्या देखने वाले, वही जो exams है MBA entrance exams, उनकी difficulty level कैसी, कौन सा सबसे tough है, किसको तुम्हें prep के लिए ज़्यादा time लगेगा, किसका पैटर्न कैसा है, ठीक है, कौन सा सबसे इजीएस्ट है, वो एटलीस्ट तुमने एज अ बैकअप देना चाहिए, एटलीस्ट एज अ प्रैक्टिस देना चाहिए, कि भले तुम्हारा पढ़ाई नहीं हुआ है, इवन देन यू हैव टू राइट दैट एग्जाम. ये सब जो बी स्कूल की एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स, वो सब हम लोग देखेंगे डिफिकल्टी वाइज. लेट्स डायरेक्टली जंप इन द वीडियो, देखते हैं कि सबसे इजीएस्ट से लेके सबसे डिफिकल्ट तक जाएंगे. सबसे इजीएस्ट एग्जाम जो 8 और 7 नंबर का है ना, वो लगभग सिमिलर डिफिकल्टी लेवल है. तो हम लोग डिटेल में देखने वाले कि तुम्हारा, तुम्हें दिखेगा कि एग्जाम कौन सा है, उसमें कितने स्टूडेंट्स जनरली वो एग्जाम देते हैं, मार्किंग स्कीम कैसा है, अच्छा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, टाइम, तो टाइम जो है तो वो क्वेश्चंस कितने रहेंगे प्लस कितना टाइम मिलता है वो भी देखेंगे. अटेम्प्ट्स, तो मैट तुम एक एकेडमिक ईयर में, अगर ये साल तुम दे रहे हो तो 4 बार दे सकते हो. कॉलेजेस कितने जो वो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं मैट का. सेक्शनल टाइम लिमिट है क्या, कि अगर कॉन्ट्स एल आर वर्बल है लेट्स से, तो कॉन्ट्स के लिए तुम्हें 1 घंटा देना पड़ेगा, वर्बल के लिए 1, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 1, ऐसे खुद डिफाइंड है क्या, तो वो सेक्शनल टाइम है. एंड फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस है क्या. ऑलराइट, तो मैट का हो गया कि मैट जनरली 20,000 स्टूडेंट्स देते हैं हर साल. मार्किंग स्कीम +1 -0.25, मतलब नेगेटिव तुम्हारे हर गलत के लिए 0.25 जाते हैं. 200 क्वेश्चंस है 150 मिनट में, ठीक है, कि 200 क्वेश्चंस देने हमें, सॉल्व करने 150 मिनट में, तो सीईटी जैसा ही है, पर 4 बार तुम दे सकते हो मैट, ठीक है. सीईटी जैसा नहीं है कि एक ही बार देना है, कैट जैसा नहीं कि एक ही बार देना है, ठीक है, तुम 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हो मैट के. प्लस 1200 कॉलेजेस, देर आर 1200, मोर देन 1200 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया जो ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. एंड सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, एंड फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं, कि इसके बाद यही सॉल्व करना है उसके बाद वही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो मैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, वो तुमने जरूर देना चाहिए, एटलीस्ट एज अ बैकअप दो, ठीक है, या प्रैक्टिस के लिए दो. ऑलराइट, कि बिफोर राइटिंग योर सीरियस, मतलब जो एग्जाम के बारे में तुम बहुत सीरियस हो, वहां पे डायरेक्टली जाने के पहले मैट एज अ बैकअप या एज अ प्रैक्टिस तुम दे सकते हो. कमिंग टू द 7th नंबर, ठीक है, ये डिफिकल्टी वाइज, मतलब बॉटम से ऊपर ये सबसे ईजी है, ऊपर वाले सबसे डिफिकल्ट रहेगा. ऑलराइट, तो सी मैट थोड़ा सा मैट के ऊपर डाला है, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा है, देखा तुमने तो, यहाँ पे 20,000 लोग देते हैं, यहाँ पे सी मैट काफ़ी लोग देते हैं. मार्किंग स्कीम +4 -1, टाइम काफ़ी रहता है. सी मैट में यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चन 3 घंटे में, यहाँ पे 200 क्वेश्चन से 150 मिनट में. अटेम्प्ट एक ही मिलेगा तुम्हें सी मैट में, ऐसा नहीं है कि अच्छा और अटेम्प्ट ले सकते हो, और अटेम्प्ट ले सकते हो. और कॉलेजेस भी बहुत है जो सी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, प्लस फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं है, ठीक है. तो कंपैरेटिवली, मतलब तुम देखोगे तो सी मैट और मैट का डिफिकल्टी वाइज सेम ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा, बट सी मैट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है थोड़ी सी, ठीक है. कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने के कारण सी मैट को मैट के ऊपर डाला है, नहीं तो एज सच दोनों एग्जाम्स तुम दे सकते हो, इट्स फाइन. ऑलराइट, और कॉलेजेस भी काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं सी मैट का स्कोर एंड मैट का स्कोर. 6 नंबर पे आता है स्नैप, तो कंपेरेटिवली अभी ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी. स्नैप वैसे भी देखा जाए तो ये तीनों जो है ना नीचे के एग्जाम्स, कंसीडर देम टू बी ऑन ईजियर साइड. ऑलराइट, पर स्नैप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वहाँ पे कॉलेजेस भी कम है जो एक्सेप्ट करते हैं, प्लस स्टूडेंट्स भी काफ़ी देते हैं स्नैप, क्योंकि SIBM पुणे, जो इसके पहले जो वीडियो बना है कि हर एक एग्जाम थ्रू तुम्हें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, तो SIBM पुणे काफ़ी लोगों का टारगेट होता है, क्योंकि अच्छा ब्रांड है वो. +1 -0.25, 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है 150 मिनट में, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है 180 मिनट में. ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सी मैट में बहुत टाइम मिल रहा है तुम्हें, स्नैप में 1 मिनट है, सी मैट में काफ़ी ऑलमोस्ट 2 मिनट है पर क्वेश्चन, मैट में सीईटी जैसा है कम, 45 सेकेंड्स. ऑलराइट, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं है. फिर आता है एन मैट. ऑलराइट, एन मैट थोड़ा सा, मतलब अभी डिफिकल्ट होते जाएगा, वैसे टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं है, पर क्यों, क्योंकि अभी ना एन मैट ने
जीमैक उनका एग्जाम कंडक्ट करता है, तो अडेप्टिव होता है वो, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है जो बाकी एग्जाम्स में नहीं है। प्लस बहुत लोग NMIMS मुंबई टारगेट करते हैं, तो तुम लोग देखोगे तो ये चार एग्जाम में सबसे ज्यादा NMAT देते हैं लोग। नेगेटिव मार्किंग नहीं, वो बोनस है। काफी क्वेश्चन सॉल्व करने तुम्हें, 120 मिनट में 108 क्वेश्चन, 3 अटेम्प्ट है। ग्रेटर देन 75 कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट NMAT स्कोर। जैसे स्नैप कैसा है कि सिम्बोसिस के ही अलग अलग कॉलेजेस है, NMAT के कुछ अलग कॉलेजेस भी है जो NMIMS छोड़ के है कि जो एक्सेप्ट करते हैं स्कोर, ठीक है। तो NMAT दे सकते हो तुम। सेक्शनल टाइम लिमिट एंड फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस वापस से NMAT में भी नहीं है। नेक्स्ट आता है TISNET। TISNET काफी एक मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम मान सकते हैं, ऑलराइट। वो देखेंगे आगे जब हम लोग देखेंगे कि हर एक एग्जाम में क्या होता है, कौन सा पैटर्न होता है या कौन से सेक्शंस होते हैं। तो TISNET थोड़ा सा टफ है, ऑलराइट। 40,000 स्टूडेंट्स देते हैं, प्लस वन, नेगेटिव मार्किंग नहीं, 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस, एक ही अटेम्प्ट है। कॉलेजेस सबसे अभी जो देखेंगे उसमें सबसे कम कॉलेजेस है, इसलिए भी वो टफ है क्योंकि 40,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं और कॉलेजेस देखो बहुत कम है, तो कॉम्पिटिशन तगड़ी है। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं। अभी आते हैं तुम्हारे ऐसे एग्जाम्स जो ज्यादातर लोग देते ही है, वन ऑफ विच इज CET। ऑलराइट, हर साल देखो 1.5 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 क्वेश्चंस करने तुम्हें सिमिलर टू मैट, ऑलराइट, एक ही अटेम्प्ट रहेगा, मोर देन 400 कॉलेजेस, सेक्शनल टाइम नहीं है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं है, ऑलराइट, सिंपल। मतलब CET में कैसा है कि तुम्हें सिर्फ CET एग्जाम देनी है, जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से एग्जाम में प्रोफाइल देखते हैं, कौन से एग्जाम में रिटन एबिलिटी टेस्ट देखते हैं, कौन से एग्जाम में PI, GD, फिर एक ग्रुप एक्सरसाइज करके भी होता है। CET में बस CET होगा, और इसमें से कोई भी एग्जाम में तुम्हें हेल्प लगी तो हम लोग हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, ऑलराइट। हम लोग फ्री रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, पेड रिसोर्सेज भी है। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ आर बंडल्स डू चेक आउट आर ट्रायल लेसन। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 6th of October, ऑलराइट। तो बिफोर एनरोलिंग फॉर दैट बैच, सो एक बैच में हम लोग 35 स्टूडेंट्स से ज्यादा लेते नहीं है, फुल हो गया तो वी स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू बैच, ऑलराइट। सो बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, वो देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है, ऑलराइट। CET के बाद तुम देखोगे तो देखो CET कैसा है कि तुम बोल सकते हो कि सर वो कंपेरेटिवली ईजियर है, नहीं ये डिफिकल्ट है, नहीं वो वैसा। इसमें कैसा है कि कॉम्पिटिशन बहुत है, ऑलराइट। देर आर 1,50,000 स्टूडेंट्स एंड 200 क्वेश्चन, स्पीड बहुत, मतलब तुम्हें ट्रिक्स पता होनी चाहिए, शॉर्टकट्स, बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आने के बाद पढ़ रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ, फिर सॉल्व करो, ऑलराइट। इसलिए CET इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट, देर आर अदर एग्जाम्स, बी स्कूल एग्जाम्स इंडिया में जो ज़्यादा डिफिकल्ट है। नंबर टू CAT आता है। CAT में वापस से 2 लाख स्टूडेंट्स हर साल देते हैं, प्लस 3 माइनस 1 6, इनका पैटर्न चेंज होते रहता है, पर अभी जो स्टैंडर्ड पिछले साल पैटर्न था दैट वाज 66 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, लॉजिकल होता है ज़्यादा, ये स्पीड वाला नहीं रहता, एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो। ग्रेटर देन 1,000 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट करते ये स्कोर, एंड अभी यहाँ पे देखो सेक्शनल टाइम लिमिट भी है एंड प्लस तुम्हारा फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी है कि हाँ ये सेक्शन होने के बाद ही ये सेक्शन सॉल्व करना है, उसके बाद ही ये सेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने चेंज किया कि दिस वॉज डन कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले क्या करते थे कि कॉन्स फटाफट सॉल्व कर लेते थे, वर्बल को, LR को उनको ज़्यादा टाइम मिलता था, तो वो उनको थोड़ा लगा कि नहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग सेक्शनल टाइम ही डाल देंगे, सारे सेक्शंस को टाइम रहेगा। तो भले ही तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सेक्शन 20 मिनट में हो रहा है, तभी भी यू कांट सबमिट या स्किप, पूरा वो टाइमर खत्म होने तक रुकना ही पड़ता है, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्स में वैसा नहीं था, दैट ऑल्सो मेक्स दिस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। अदर रीजंस भी है कि इनके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट रहते हैं, कॉम्पिटिशन भी हैवी है, प्लस सेक्शनल टाइम लिमिट है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस है। बट सबसे डिफिकल्ट ZAT होता है, ठीक है। ZAT डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें GK भी आता है, प्लस उनका अभी मार्किंग स्कीम देखो, ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि दो बार नेगेटिव क्या है, तो उनका प्लस 1 माइनस 0.25 होता है, प्लस मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस गए, ठीक है, तो -0.1 भी स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अनअटेम्प्टेड भी नहीं रखने, सॉल्व करते रहना है।
प्लस जीके को नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो इनका काफी मतलब मार्किंग स्कीम भी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे 2 मिनट मिल रहा है, ठीक है, 3.5 घंटे की एग्जाम है और उसमें ऐसे भी लिखना होता है, जैसे पिछले वीडियो में देखा है हमने कि ऐसे भी लिखना पड़ता है, बट ऑब्वियसली ऐसे में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बट 105 क्वेश्चन सॉल्व करने 210 मिनट में, उसमें एक ऐसे क्वेश्चन भी होता है, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, मोर देन 160, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो स्कोर। सबसे बेस्ट हमने देखा कि एक्सेलराई है, ऑलराइट, एंड सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी है। ऑलराइट, तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दीवार पे चिपकाओ, मतलब अपना जो टॉप 20 स्कूल्स है उसके बाजू में ये चिपकाओ, मोटिवेशन की तरह लो, तुम देखो कि कौन सी एग्जाम इसके बेसिस पे तुम्हें टारगेट करनी है, ठीक है। कोई कैट दे रहा है तो जैड भी देना चाहिए, ठीक है, कैट और जैड भी देना चाहिए, दोनों डिफिकल्ट एग्जाम है इसलिए सीईटी भी दे दो, ठीक है। ये नहीं दे रहे हो तो कैट, जैड और स्नैप दे दो, यू हैव टू गिव एटलीस्ट वन अदर एग्जाम एज अ बैकअप। तुम पूरा तुम्हारा यू लाइक जो बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो एक ही एग्जाम पे रिलाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम एटलीस्ट फॉर्म तो भर दो, फिर तुम्हें लगा कि नहीं कैट तो मेरा बहुत ही अच्छा हो गया, मैं तो बाकी एग्जाम्स दूंगा ही नहीं, पर पॉइंट क्या है कैट का, ऑलराइट, कैट तुम्हें अच्छा गया है, इट्स ग्रेट, ठीक है, तुम्हें कॉल्स आएंगे, पर फिर वापस से पीआई होगा, जीडी होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट, प्रोफाइल बेस्ड, तो ये सब तो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो तुम कैट दे रहे हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सीईटी तो एटलीस्ट दे ही दो, क्योंकि उसमें प्रोफाइल नहीं है, तुम्हारा स्कोर अच्छा आ गया एंड सीईटी एज अ बैकअप अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कोर अच्छा आता है तो बाकी सब चीज़ों का तुम्हें डरना नहीं कि हाँ प्रोफाइल कैसा है वगैरह वगैरह। तो सीईटी कैन ऑलवेज बी एज अ बैकअप, तुम सीईटी एज प्राइमरी भी दे सकते हो, जैसे सीईटी थ्रू हमने देखा जेबीआईएमएस इज द टॉप कॉलेज और उसकी फीस भी कम है, बट कैट दे रहे हो तो जैड भी दे सकते हो। सीईटी कैन बी बैकअप फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीईटी छोड़ के सारे एग्जाम्स में तुम्हारा प्रोफाइल जीडी पीआई होने ही वाला है, तो सीईटी कैन बी अ बैकअप। स्नैप अच्छा एग्जाम है, जो इजियर एग्जाम है जैसे मैंने बोला वो एटलीस्ट तुम एज अ प्रैक्टिस दे दो या बैकअप दे दो, बट यू हैव टू राइट मल्टीपल एग्जाम्स, एक ही एग्जाम पे रिलाय नहीं करना है। ऑलराइट, बिफोर क्लोजिंग द वीडियो एमबीए एग्जाम्स एंड उनका सिलेबस देख लेते, तो जैसे जैट देखोगे तुम, जैट में सारे टिक मार्क्स है, ठीक है गाइस, वर्बल है, कॉन्स है, एलआर है, जीए है, अदर्स में डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा एम्बिग्यूअस रहता है कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है, तो सारे ट्रिक्स देखेंगे अपन कोर्स में, बट डिसीजन मेकिंग कैन बी ट्रिकी। जीके भी होता है इनके ना, डीआई भी थोड़ा टफ हो सकता है, कुछ अलग डालते, इसलिए जैट एक टफ एग्जाम है। कैट में कॉन्स वर्बल एलआर है, जीके नहीं है, अदर्स में कुछ नहीं, सीईटी में भी कॉन्ट एलआर वर्बल है, टिस्नेट का जीके थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। फिर वापस से एनमैट में कुछ भी नहीं है, 3 ही है कॉन्ट्स एलआर वर्बल, स्नैप में भी 3 ही है, सीमैट में वापस से सब कुछ आता है, जीके भी आता है, अदर्स में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, मैट में जीके आता है, तो इसलिए भी सीमैट थोड़ा सा मतलब मैट के ऊपर है, क्यों, क्योंकि वो इसमें अदर्स में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ऑलराइट गाइस, इसका भी तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, कि कौन से एग्जाम में क्या है, किस हिसाब से तुम्हें टारगेट करना है, वो सब तुम्हें समझ में आएगा। ये वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे हम लोग फ्री क्वेश्चंस, फ्री रिसोर्सेज डालते हैं, कॉन्स हो गया, एलआर हो गया, वर्बल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, तो जैसे काफ़ी एग्जाम्स में वो लगता है हमने देखा अभी, तो वो तुम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली विदाउट फेल न्यूज़ एनालिसिस आता है, और यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपडेट्स तो देते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।